वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल का फैसला कर लिया। इत्तेहादी जमातों को वजारतें मिलेंगी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को दो वजारतें दिए जाने की उम्मीद है, MQM को वज़ीर मुमलिकत का कलमदान मिलने की तवक्को है। इस पर मज़ीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, मुख्तलिफ तवक्कोआत वाबस्ता कर ली गई है मुख्तलिफ उम्मीदवारों के लिए। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना में आइंदा चंद दिनों में रद्दोबदल का इम्कान है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी इत्तेहादी जमातों को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दो वफाकी वजारतें दिए जाने का इम्कान है और MQM को वज़ीर मुमलिकत का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से जो वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए तीन जो मजबूत तरीन उम्मीदवार सामने आए, जिनमें सेनेटर कौदा बाबर, सेनेटर सरफराज बुगती और रुकन कौमी असेंबली सरदार इजहार तरीन शामिल है। और इसी तरह MQM की जानिब से वजीर मुमलिकत के लिए फैसल सब्जवारी का नाम जो है वो मजबूत तरीन उम्मीदवारों में तस्वर किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में वजीर आजम इनमें से किन को वफाकी काबीना में साथ शामिल करते हैं। जी उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका।